आज 26 નવેમ્બર એટલે કે બંધારણ દિવસ છે ત્યારે આ દિવસની ખાસ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે આ ખાસ દિવસના ઉપલક્ષમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ સ્વર્ણિમ સંકુલ 1 ના નર્મદા હોલ ખાતે માનનીય રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નવી દિલ્હીથી વિડિયો કોન્ફરન્સ મારફતે બંધારણ આમુખ વાંચન પઠન અને પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનમાં સહભાગી થયા હતા। आ दरमियान सीएम रूपाणी जणाव्युं छे के 26 नवेम्बर संविधान दिवस तरीके उजवणी करीए छीए त्यारे राष्ट्रपतिए शपथ लेवडाव्या छे देश में समानता न्याय प्राप्त थाय। तेओए वधुमां कह्युं छे के नरेन्द्र मोदीए गुजरातना मुख्यमंत्री हता त्यारे हाथीनी अंबाणी पर संविधान मूकी यात्रा काढी हती। केवड़िया खाते स्पीकर कॉन्फरन्समां पण बधाए शपथ लीधा छे। संविधान दिवस तरीके आदरणीय वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी वडाप्रधान बनना पछी समग्र देशभर में अपने उजवणी करीए छीए। आजे आदरणीय राष्ट्रपति जीए शपथ लेवड़ाया के सौ बंधारण ने वफादार रही दरेक मानवी ने अधिकारों प्राप्त थाय आ देश में समानता स्वतंत्रता बंधुता न्याय सौ ने प्राप्त थाय माटे पण एमने अपने शपथ लेवड़ाया छे। नरेन्द्र भाई गुजरात में जयरे मुख्यमंत्री था त्यारे हाथीनी अंबाड़ी उपर संविधान ने राखी ने यात्रा काढ़वामां आवी थी। संविधान यात्रा लोकशाही में संविधान सर्वोपरि छे अने संविधान की रक्षा ए आपणा सौनु कर्तव्य छे अने तो ज लोकशाही मजबूत अने प्रबल बनी सके अने एटला माटे आ संविधान दिवस ने उजवणी करवामां आवे छे। आजे गुजरात सरकारना मंत्रीओ सचिवोए अहींया शपथ लीधा छे। राष्ट्रपतिए शपथ लेवड़ाया छे। केवड़िया खाते स्पीकर कॉन्फरन्स चाली रही है त्यां पण स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते बधाए शपथ लीधा है।